अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल विल बी गुड एट होम। आज हमने उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 29 पढ़ना है और जो हर्फ हमने पढ़ना है वो है आइन। आइन ऐनक, आइन ऐनक, आइन की छोटी शक्ल। बच्चों ये हर्फ के शुरू में लगेगी। आइन की बाकी दो छोटी अशकाल हरूफ के दरमियान में लगती हैं। आइन अलिफ आ, आइन वाव ओ, आइन छोटी है ई, आइन बड़ी है ए। आइन अलिफ आ, दाल छोटी है दी, आदि। आइन अलिफ आ, दाल छोटी है दी, आदि। आइन अलिफ आ, रे छोटी है री, आरी। आइन अलिफ आ, रे छोटी है री, आरी। गाइन, गाइन गुबारा, गाइन गुबारा, गाइन गार, गाइन गार। गाइन की छोटी शक्ल। बच्चों ये भी हर्फ के शुरू में लगेगी और बाकी दो अशकाल हरूफ के दरमियान में। गाइन अलिफ गा, गाइन वाव गो, गाइन छोटी है गी, गाइन बड़ी है गे। गाइन अलिफ गा, रे गार, गाइन अलिफ गा, रे गार। गाइन अलिफ गा, जे छोटी है जी, गाजी। गाइन अलिफ गा, जे छोटी है जी, गाजी। गाइन ये गे, रे खैर, गाइन ये गे, रे खैर। बच्चों आपको पहले भी बताया था कि जब बड़ी दो हरूफ के दरमियान में आए तो हम इसे ये पढ़ेंगे, गाइन ये गे, रे खैर। बे अलिफ बा, गाइन बाग, बे अलिफ बा, गाइन बाग, बे अलिफ बा, गाइन छोटी है गी, बागी। बे अलिफ बा, गाइन छोटी है गी, बागी। दाल अलिफ दा, गाइन दाग, दाल अलिफ दा, गाइन दाग, दाल अलिफ दा, गाइन छोटी है गी, दागी। दाल अलिफ दा, गाइन छोटी है गी, दागी। बच्चों आपने इस सबक की अच्छी तरह पढ़ाई करनी है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।